आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। लक्सर में सील क्रैशर चलाने पर कड़ा एक्शन, संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लक्सर में सील क्रैशर को चलाने के मामले में संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इन स्टोन क्रैशरों को फिर से सीज कर दिया गया है। ये क्रैशर पहले ही सीज कर दिए गए थे, लेकिन संचालकों ने अवैध तरीके से सील तोड़ कर क्रैशर चलाना शुरू कर दिया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, पश्चिम बंगाल में अब कानून का राज खत्म हो गया है। कोलकाता डॉक्टर रेप केस में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का भी बयान सामने आया। उन्होंने डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार डॉक्टरों के साथ है। उत्तराखंड के इन जिलों में झमाझम होगी बारिश, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज फिर बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। वहीं सुबह से प्रदेश के कई जिलों में मौसम साफ नजर आया। महिला की खुदकुशी के बाद एक्शन में पुलिस, दहेज उत्पीड़न का लगा आरोप, पति पर मुकदमा दर्ज। पिथौरागढ़ में विवाहिता की खुदकुशी के बाद मायके वालों ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वॉशरूम हिडन कैमरा के उत्तराखंड में पहले भी सामने आ चुके हैं मामले। 14 साल पहले गीजर में लगा था कैमरा। देहरादून में एक नामी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हिडन कैमरे के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच लोगों को 14 साल पहले की घटना याद आने लगी। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2010 में घटी ऐसी घटना के बारे में जिसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया था। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में एक महिला भी गिरफ्तार, आरोपियों की थी मदद। देहरादून में बस में किशोरी के साथ गैंगरेप, बदहाश हालत में मिली नाबालिग, पड़ताल में जुटी पुलिस। राजधानी देहरादून में एक किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दो बच्चों के बाप पर चढ़ा प्यार का भूत, युवती के मंगेतर को भेजे अश्लील वीडियो, तुड़वाई शादी। देवताओं के पक्षों ने दूध दही और मक्खन के साथ किया स्नान, भक्तों को दिया आशीर्वाद। उत्तरकाशी के बेड़थार में हुड़ और नागराजा देवता के दूध काड़ू मेले का भव्य आयोजन किया गया। देवताओं के पशुओं ने ग्रामीणों की ओर से लाए गए दूध दही और मक्खन से स्नान कर उन्हें आशीर्वाद दिया। नगर पालिका में शामिल करने की मांग को लेकर कॉर्बेट कॉलोनी निवासियों ने दिया धरना, सीएम को भेजा ज्ञापन। रामनगर के कुछ गाँव को कैबिनेट द्वारा नगर पालिका बनाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कॉर्बेट कॉलोनी, शक्ति नगर और आदर्श नगर समेत अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल करने की मांग उठाई है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहुंचे कैची धाम, किए बाबा ने करौली के दर्शन। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के बाद भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज कैची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली का आशीर्वाद लिया। इसी बीच उनके साथ पूरा परिवार नजर आया। रुद्रपुर नर्सरी हत्याकांड पर पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं छात्र, खुलासे पर उठाई सवाल, सीबीआई जांच की मांग। रुद्रपुर नर्सरी हत्याकांड का पुलिस ने भले ही खुलासा कर दिया हो, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। शनिवार को इस मामले में उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया और पुलिस की खुलासे पर सवाल भी खड़े किए। एयरलाइंस कंपनी का कारनामा, हवाई सेवा शुल्क लेकर कार्रवाई, बस यात्रा दिल्ली से देहरादून भेजे पैसेंजर। एयरलाइंस कंपनी का कारनामा सामने आया है। एयरलाइंस कंपनी ने हवाई सेवा शुल्क लेकर पैसेंजरों को बस यात्रा करवाई, जिससे पैसेंजर को बस के जरिए दिल्ली से देहरादून भेजा गया। इसी कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मानसून सत्र के दौरान गैरसैंण में तैनात रहेगी ATS, CCTV से होगी निगरानी, लाइट होगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट। 21 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा मानसून सत्र होने जा रहा है। इस बार गैरसैंण में ATS की भी तैनाती की जाएगी। विधानसभा सत्र से पहले सुरक्षा को लेकर हुई बैठक में ये फैसला हुआ। औषधीय गुड़ों का भंडार है जंगली फल, डायबिटीज हार्ट की बीमारियों का भी पक्का इलाज। घिंघारू एक पहाड़ी फल है, इस फल का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके लिए फल, फूल, पत्तियां और टहनियों का कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। घिंघारू का फल कई गुणों का भंडार है, इसके सेवन से कई बीमारियाँ दूर होती हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने की बड़ी बैठक, मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के निर्देश।
चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बैठक ली। इस दौरान सीएम धामी ने चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ावों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा चारधाम यात्रा में के सुगम संचालन के साथ सभी जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। अल्मोड़ा में दो नशा तस्कर गिरफ्तार, 4.89 लाख के स्मैक बरामद। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी टीम ने दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के कब्जे से 4.89 लाख रुपए की स्मैक बरामद की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, लक्सर में यज्ञ कर भगवान से की प्रार्थना, पीएम मोदी से की अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में हरिद्वार में निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति और दुर्गा समिति यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की। मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ेगा मलारी बॉर्डर, लगाए जा रहे 14 टावर, नीति घाटी में भी हो रहा अपडेशन। नीति घाटी के बॉर्डर वाले इलाकों में 14 4G मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। ITBP की मदद BSNL इन इलाकों में टावर लगा रहा है। साथ ही जोशीमठ, चमोले, रुद्रप्रयाग, माना सहित पौड़ी में लगे टावर्स को भी अपडेट किया जा रहा है।